नमस्कार प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने स्वर संधि के विभिन्न भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तथा यंग संधि के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि के अंतिम और पांचवें भेद अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस संधि में लघु तथा दीर्घ ऐ का विभिन्न स्वरों के साथ मेल होता है और लघु और दीर्घ अ का विभिन्न स्वरों के साथ मेल होता है। इस संधि में लघु ए का विभिन्न स्वर के साथ मेल होने से अय हो जाता है तथा विभिन्न स्वर की मात्रा अय को लग जाती है। अ का विभिन्न स्वर के साथ मेल होने से आय, अ का विभिन्न स्वर के साथ मेल होने से अव तथा अ का मेल विभिन्न स्वर के साथ होने से आव हो जाता है। भिन्न स्वर की मात्रा आय, अव, आव के साथ लगने से पहले का जो वर्ण होता है वो आधा रह जाता है। तो लगभग जो है संधि हमारी पिछली संधि यन संधि की भांति ही है। उसमें हमने ई, उ तथा री का भिन्न स्वरों के साथ मेल पड़ा था, इसमें हम ए और ओ का भिन्न स्वरों के साथ मेल पड़ेंगे। तो बच्चों, इस संधि का पहला नियम, लघु ए का भिन्न स्वर के साथ मेल होने से आय हो जाता है और भिन्न स्वर की मात्रा इसके साथ लग जाती है। तो इसका जो हमारा पूर्व स्वर है वो ए है, पर स्वर हमारा कोई भी भिन्न ए और ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर होगा, आदेश हमारा आय के साथ भिन्न स्वर की मात्रा उत्पन्न होगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है ने प्लस अन, इसमें लघु ए के साथ अ का मेल है तो क्या बना, नयन, क्योंकि ए का अ के साथ मेल होने से आय हो गया है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नियम नंबर दो की तरफ। इसमें दीर्घ ए का भिन्न स्वर के साथ मेल होने से आय हो जाता है और भिन्न स्वर की मात्रा आय को लग जाती है। तो पूर्व स्वर हमारा क्या होगा, दीर्घ ए, पर स्वर ए को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर, आदेश क्या उत्पन्न होगा, आय, और भिन्न स्वर की मात्रा आय को लगेगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है ने प्लस इका, ने में दीर्घ ए की मात्रा है, इका में लघु ई, तो ए का ई के साथ मेल होने से आय तो बनना ही बनना है और इसके साथ ई की मात्रा लगेगी। तो बच्चों नियम नंबर तीन देख लेते हैं। इसमें लघु ओ का भिन्न स्वर के साथ मेल होने से अव और भिन्न स्वर की मात्रा अव को लग जाती है। तो हमारा पूर्व स्वर क्या है, ओ, पर स्वर क्या है, ओ या अ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर, आदेश क्या उत्पन्न होगा, अव, और भिन्न स्वर की मात्रा इसके साथ लगेगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पो प्लस इत्र, पो को छोटी ओ की मात्रा है, इत्र में छोटी ई की मात्रा है, दोनों का मेल होने से अब बनना था और ई की मात्रा इसके साथ लगनी थी, तो क्या बना, अकॉर्डिंग टू रूल पो प्लस इत्र हमारा क्या बनेगा, पवित्र। जहां पर व को लघु ई की मात्रा इसलिए लगाई गई है क्योंकि ओ का लघु ई के साथ मेल हो रहा है। तो इसका चौथा नियम क्या है, दीर्घ अ का भिन्न स्वर के साथ मेल होने से आव और भिन्न स्वर की मात्रा आव को लग जाती है। तो पूर्व स्वर हमारा क्या है, दीर्घ अ, पर स्वर हमारा क्या है, भिन्न स्वर, आदेश क्या उत्पन्न होगा, आव, और भिन्न स्वर की मात्रा इसके साथ लगेगी। इसकी उदाहरण देखिए। जैसे नौ प्लस इक, तो नौ और इक में देखिए नौ को बड़ी ओ की मात्रा है, दीर्घ ओ की, ई को लघु ई ही है, तो दोनों का मेल होने से आव और आव के साथ लघु ई की मात्रा लग गई है, तो नौ प्लस इक का मेल होने से क्या बना, नाविक। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारे स्वर संधि के सभी भेद समाप्त होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं स्वर संधि के सभी भेदों को एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने रखूंगी ताकि आपको
संधि के किसी भी रूल को रट्टा लगाने की आवश्यकता ना पड़े, इसे आप बहुत ही सरलता से कर सकें। धन्यवाद।